थानाध्यक्ष नॉर्मल गश्त पर थे कस्बे में, इनको सूचना मिली कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, तो 9 लोगों को वहाँ पर फर्द से ताश वाश के साथ और करीब 22,000 रुपये के साथ लेकर के यहाँ पर आए इनको यहाँ पर। ये लगभग 3:30-4 बजे की बात है, और उनकी लिखा पढ़ी होने के क्रम में थी, तो उसी उसमें क्योंकि ये घटना बेलेबल थी, तो इसके संबंध में सबकी आईडी वगैरह लेने के लिए उन्होंने कहा कि इसके पास आईडी नहीं थी, जो पवन कुमार मृतक है, ये अन्यों के साथ बैठे हुए थे और ये थोड़ा कुछ बीमार और कुछ नशा वगैरह भी करते थे, ऐसा उनके जो संपर्क में जिनके यहाँ पर काम करते थे, जिनके यहाँ कंडक्टर थे, उन लोगों ने बताया, उसी उसमें ये कुछ बैठे बैठे ही गिर गए, फिर इनको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर ये डॉक्टर ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया। सर, सर एक तिरमल सिपाही से उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, एक मिनट पहले आप पूरी बात सुन लीजिए आराम से। इस पर फिर ये जो अन्य 8 साथी हैं, जो अन्य जो उनके साथ ये लोग आए थे, अन्य 8 साथियों से भी बातचीत की गई है, मैंने भी बात किया है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में टेक हुई है, अतः इसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई जाएगी, और 8 से अभी प्रथम दृष्टया जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ पर जो मैंने आपको घटना का नरेट किया वो ये सामने आया है, किसी प्रकार की कोई उत्पीड़न या मारपीट की बात अभी तक सामने नहीं आई है, और उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, विधिक तौर पर पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी से और टीम ऑफ डॉक्टर के साथ कराया जाएगा, ताकि जांच का कोई भी पहलू छूट न जाए।